नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बिहार एसएससी तृतीय स्नातक मुख्य परीक्षा थर्ड लेवल ग्रेजुएट एग्जाम मेंस एग्जाम के प्रैक्टिस वर्कबुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और इस बुक में आपको 26 सेट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला पेपर होगा पेपर वन हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में, और पेपर टू में सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50 क्वेश्चन और रीजनिंग 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न था वही आपको मेंस का एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। किरण प्रकाशन का ये बुक है दोस्तों, सीजीएल बिहार एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक है। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपको ये बुक देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर इस बुक के एमआरपी के बारे में बात करें तो 235 रुपये एमआरपी है दोस्तों इस बुक का, और नंबर ऑफ पेजेस के बारे में बात करें तो 304 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। बुक में दोस्तों आपको सबसे पहले अगर हम देखें तो ये किरण प्रकाशन का ये बुक है दोस्तों, मेंस एग्जाम के लिए 26 सेट है, जिसमें 20 आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 10 सेट हिंदी के, 10 सेट सामान्य ज्ञान के, उसके बाद 6 आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब अलग से आपको प्रैक्टिस सेट के साथ प्रीवियस ईयर पेपर के अलग से बुक नहीं लेना होगा। ये दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम का बुक है, ये हिंदी मीडियम का बुक है। 235 रुपये एमआरपी है। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस एग्जाम से रिलेटेड, फिर करेंट अफेयर को कवर किया गया है, उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज का, उसके बाद उसी के साथ साथ सामान्य अध्ययन का भी सेट आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग को कवर किया गया है। ठीक है, तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इस तरह से आपको कुल मिला के यहाँ पे 12 सेट आपको, मतलब 10 सेट यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर आपको 3 सेट है, 27/1/2013 एक एग्जाम हुआ था, 27/3/2016 और 25/12/2020 के आपको पेपर देखने को मिलेंगे मुख्य परीक्षा के। ठीक है, सभी मेंस एग्जाम के हैं क्योंकि ये बुक मेंस एग्जाम का है। अब दोस्तों इस एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम के बारे में जानकारी, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं करंट अफेयर को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया है। यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्ड हो गया, पद्म भूषण अवार्ड हो गया, मतलब अवार्ड हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, विदेश नीति हो गया, उसके बाद दोस्तों T20 विश्व कप 2023 हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, उसके बाद केंद्र सरकार के प्रसिद्ध जो योजना है, कर्तव्य, सारा कुछ, नोबेल पुरस्कार हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, उसके बाद जो भी अवार्ड होते हैं उनको कवर किया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सेट वन आपको हिंदी देखने को मिलेगा। प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर क्वालिटी इस बुक का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, तो बुक दोस्तों आप ले सकते हैं, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि आपको हिंदी लैंग्वेज दिया गया है, हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, तो ग्रामर पर ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा यहाँ ग्रामर देखने को मिलेगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको ग्रामर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे विलोम शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, सारा कुछ यहाँ पे शामिल किया गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, समास हो गया। ठीक है, और सारा जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होता है वो आपको देखने को मिलेगा, कॉमन एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, व्याकरण यहाँ भर के दिया हुआ है दोस्तों, तो 100 के 100 क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन पहले मिल जाएगा आपको, 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में आंसर की देखने को मिल जाएगा। और किरण प्रकाशन का जो आंसर की होता है दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का जो आंसर की होता है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है और बहुत ही ज़्यादा ईजी और डिटेल सॉल्यूशन होता है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ दोस्तों देखिएगा 100 के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उसके बाद दोस्तों पेपर टू आपको देखने को मिलेगा, पेपर टू में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूसा रूबी एक किस्म का क्या है, तो ये पूछा गया है कि पत्ता गोभी है, बैगन है, टमाटर है, प्याज है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कितना मतलब अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन के बाद आपको सामान्य विज्ञान और गणित देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं लगभग। ठीक है, या 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साइंस और मैथ्स से। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन है दोस्तों साइंस और मैथ्स में, तो आप देख लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस में आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद रीजनिंग यहाँ 50 नंबर का अलग से पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन का यहाँ कलेक्शन देखने को मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 150 क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से।
बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बुक में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से डिटेल में सॉल्यूशन दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन से आप दो तीन क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, इस तरह का सॉल्यूशन आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। मैथ्स का भी क्वेश्चन आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मैथ्स में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्यूशन यहाँ इन्होंने दिया हुआ है। मॉडल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों ये, और यहाँ पे सारे सेट को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया है, ठीक है। इस तरह से आपको सारे सेट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को किस तरह से इन्होंने कवर किया है। अंतिम में चलते हैं और यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर पेपर को निकालते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, बिहार एसएससी फर्स्ट लेवल इंटर मुख्य परीक्षा, बिहार सीजीएल और इंटर लेवल के मुख्य परीक्षा को भी यहाँ शामिल किया गया। तो सबसे पहले दोनों का पैटर्न मैं बता दूँ सेम होता है, और सबसे पहले सामान्य हिंदी आपको देखने को मिल जाएगा। सामान्य हिंदी में हर एक तरह के क्वेश्चन है, जैसे संधि विच्छेद हो जाएगा, मित्र का भाववाचक क्या होता है, पर्यायवाची शब्द हो गया, कॉमन एरर हो जाएगा, उसके बाद मुहावरे हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे, ठीक है, समास हो जाएगा, सारा कुछ आपको दोस्तों यहाँ अच्छे से देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में आपको पूरा ग्रामर यहाँ कवर किया गया है, ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन का, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे यह आंसर की दिया गया है, उसके बाद आपको यहाँ आंसर डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बुक में कोई भी कमी नहीं है, और 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। सामान्य ज्ञान में आपको सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मैथ्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ में आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे, और साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं साथ के साथ, ठीक है। यूरिया का उपयोग किया जाता है तो ये साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैथ्स साइंस और रीजनिंग सामान्य ज्ञान में शामिल किया गया है। मैं बता दूँ यहाँ पे 50 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से, 50 क्वेश्चन जीके का, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन मैथ्स और साइंस से कवर किया गया है, ठीक है। टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे कुल मिला के, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मतलब यहाँ पे सारे क्वेश्चन का यहाँ डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। एकदम स्टेप को फॉलो किया गया है। किरण पब्लिकेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इनके बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। बुक में दोस्तों कोई कमी नहीं है, 150 के 150 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत ही ईजी तरीके से देते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। एक क्वेश्चन से आप दो तीन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बुक में कोई कमी नहीं है, और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और ये बुक दोस्तों किरण प्रकाशन का ये बुक है, ठीक है। मैं इंग्लिश वाले बुक का भी अलग से रिव्यू कर दूंगा। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू। आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।